नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगिता इंडियन किचन में। सर्दी के मौसम में रात को किसी ढाबे पे जाके खाना खाने का मन तो आपका भी किया होगा ना, लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ वही ढाबा स्टाइल चिकन भुना, एकदम मसालेदार, स्वादिष्ट और एक अलग ट्विस्ट के साथ। तो चलो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आधा किलो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटी कटोरी दही। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारे मसाले हमारे चिकन के पीसेस को लग जाए। और अब बारी आती है हमारे ट्विस्ट की। अब मैं इसके अंदर रख देती हूँ एक जला हुआ कोयला और डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच घी। इसे तुरंत ही ढक देंगे। दोस्तों, इससे आपके डिश में वही ढाबा जैसा स्वाद आएगा, एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आएगा जो आप अपने ढाबा वाले डिश में चाहते हो। अब हम इसे ऐसे ही कवर करके बाजू में रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए। चलो अब बनाते हैं अपना सीक्रेट गरम मसाला। सबसे पहले हम गरम पैन के अंदर डाल देंगे एक छोटा चम्मच बड़ी सौंफ का, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, तीन छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती। दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी मार्केट वाला गरम मसाला नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि जब हम ऐसे ताज़ा मसाले बनाते हैं तो उससे एकदम बढ़िया स्वाद आता है। अब इसे डाल देते हैं मिक्सिंग जार के अंदर और बहुत ही बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमें चाहिए। अब इसे साइड में रख देते हैं और तैयारी करते हैं अपनी ग्रेवी की। अब एक गरम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं 5 से 6 बड़े चम्मच तेल और 2 सूखी लाल मिर्च, इनको मैंने 2 हिस्सों में काटा है, और डाल देंगे 5 से 6 कड़ी पत्ता के पत्ते। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे हमारे प्याज, थोड़ा सा नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से पक जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों, हमें इसे बीच बीच में कम आँच पर अच्छे से भूनना है, करीबन 10 से 15 मिनट तक लगेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। अगर बढ़िया सा भुना चिकन खाना चाहते हो तो प्याज को तो अच्छे से भुनना ही पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, इनको एक अच्छा सा ब्राउन टेक्सचर आ चुका है। अब डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से 1 मिनट तक भूलेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर डालते हैं हमारा टमाटर का प्यूरे। मैंने यहाँ करीबन 3 टमाटर का प्यूरे डाल दिया है। इसे भी करीबन 7 से 8 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये बढ़िया से भून गए हैं और तड़प रहे हैं अपने मसालों से मिलने के लिए। तो चलो फिर मिलाते हैं इनको इनके मसालों से। हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपना सीक्रेट गरम मसाला पाउडर। अब इसे हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अरे भाई, भुना चिकन है तो मसालों को तो अच्छे से भुनना बनता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब इसमें डाल देते हैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। दोस्तों, अब हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करने वाले, हम इसको ऐसे ही भूनते हुए पकाएंगे, तभी तो ये कहलाएगा हमारा भुना चिकन। अब हम इसको धीमी आंच पर कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। हमें इसे बीच बीच में खोल के देखना है और चलाना है ताकि ये नीचे से ना जले। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, तभी भी इसको कितना पानी छूट चुका है। हम बस इसे ऐसे ही कवर करके 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। आहा, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तेल अपने ग्रेवी से सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब हमारा भुना चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब इसके ऊपर डाल देती है थोड़ा सा नमक। दोस्तों, याद रखें हमने प्याज को पकाते समय और मैरिनेशन के समय नमक डाल दिया था। अब डालते हैं 2 कटी हरी मिर्चें, लंबा कटा 1/2 इंच अदरक, थोड़ा सा नींबू का रस और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इस समय हमें क्या करना है कि हमारी गैस को बढ़ा देना है और इसे अच्छे से कंटिन्यूसली भूनना है, तो हो जाएगा आपका ये ड्राई वाला भुना चिकन। बस इसे ऐसे ही बनाइए और सर्व कीजिए आपकी रोटी के साथ या फिर बढ़िया से जीरा राइस के साथ। दोस्तों, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप अपने दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।